हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जान जाते हो तो कभी भी आपके भविष्य में ये प्रॉब्लम आ जाता है तो आप इसका सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हो। दोस्तों, आपको किसी की मदद नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों, आप इसका सॉल्यूशन खुद से कर सकते हो। दोस्तों, आपको भविष्य में कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पर नहीं आएगा कभी प्रॉब्लम। दोस्तों, मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह का प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ मेरे भी साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो चुका है और मैं इसका सॉल्यूशन कर लिया हूँ, तो मैं सोचा इसका वीडियो मैं आपको बना के दे देता हूँ, जिससे आपको कभी प्रॉब्लम आ जाता है तो आप इसका सॉल्यूशन खुद से कर सकते हो। दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना स्क्रीनशॉट इसका लिया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप लोग सब लोग फेसबुक और मैसेंजर तो चलाते ही होगे। दोस्तों, जो ये प्रॉब्लम है दोस्तों, आपको फेसबुक में भी देखने को मिलेगा और आपको मैसेंजर में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना मैसेंजर ओपन किया हूँ। यहाँ पे एक हमारे दोस्त का मैं चैट ओपन किया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे चैट ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन हट चुका है और यहाँ वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन हट चुका है और नीचे यहाँ चैट का भी ऑप्शन हट चुका है और जहाँ यहाँ चैट का ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है सी कम्युनिटी स्टैंडर्ड। दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपके साथ आ जाता है तो आप फेसबुक पर भी आप ना किसी को लाइक कर सकते हो, ना किसी को कमेंट कर सकते हो, ना अपने फेसबुक प्रोफाइल पर अपना फोटो या वीडियो अपलोड कर सकते हो। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ मैं होम पेज पर आ जाता हूँ। होम पेज पर आने के बाद आपको अपना फेसबुक ओपन कर लेना है। फेसबुक ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कोने साइड में तीन लाइन है, आपको तीन लाइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपका यहाँ पे हमारा प्रोफाइल ओपन हो चुका है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है हेल्प सपोर्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके ऊपर यहाँ पे चार पाँच ऑप्शन नज़र आएंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऊपर वाले पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, आपके सामने यहाँ बहुत सारा ऑप्शन नज़र आएगा, आपको थोड़ा नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा प्रोफाइल का, आपको यहाँ प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको इसको काट देना है। यहाँ से काटने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एड ईमेल। दोस्तों, इस पर क्लिक करके सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो प्रॉब्लम आपको मैसेंजर में देखने को मिल रहा है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे एड इमेज में क्लिक करके आप वो फोटो को यहाँ पे ले लेना है। चलिए, मैं उस फोटो को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे वो फोटो यहाँ पे ले चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आता है डिक्लेरेशन द इशू, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देना है। चलिए, मैं प्रॉब्लम को आपको लिखना क्या है, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको अपील का लिंक मिलेगा, अपील का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ मैं कॉपी किया हूँ। चलिए, मैं यहाँ पेस्ट कर दिया हूँ। देखते हैं, आपको जो ये मैं लिखा हूँ टेक्स्ट, आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एक तीर का एक आइकन दिया हुआ है ब्लैक कलर में, आपको इस आइकन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख से रिपोर्टिंग हो रहा है। दोस्तों, आपको एक दो सेकंड वेट करना है, ये आपको फेसबुक में रिपोर्ट हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे थैंक्स का ऑप्शन आ चुका है, ये फीडबैक हमारा फेसबुक की तरफ चला जाएगा। दोस्तों, आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। 24 घंटे जैसे ही वेट करेंगे तो आप 24 घंटे बाद फिर से अपना फेसबुक ओपन करेंगे या आप मैसेंजर ओपन करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम 100% मैं गारंटी देता हूँ आपका इसका ये प्रॉब्लम आपका दूर हो चुका होगा। दोस्तों, सो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर दोस्तों आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।